चलिए सीधा ले चलते हैं आपको जहां मूलचंद शर्मा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। और दूसरे असिस्टेंट सेक्रेटरी उनके साथ रहेंगे और पूरे हरियाणा प्रदेश में इनसे काम चलाएंगे। नियुक्ति हो चुकी है, कुछ बाकी हैं जो भी जो लोग ईमानदारी से ट्रांसपोर्ट पर काम करेंगे, किसी महकमे से लाने पड़े, ईमानदारी के साथ काम करेंगे, ट्रांसपोर्ट को जो भ्रष्टाचार है उसको मुक्त करेंगे और धीरे धीरे जहां भी अधिकारी होगा वो भी लाने का प्रयास करेंगे, नई भर्ती भी हो वो भी करने का प्रयास जारी है। प्रयोग किया गया है, ये प्रयोग एक महीने में कितना सफल रहा है? नहीं, अभी इसके परिणाम आए हैं। हमारे कुछ DTOs ने जैसे बसों के चालान करे हैं, 8 करोड़ का रेवेन्यू एक महीना में आया है, पर हम ये नहीं चाहते रेवेन्यू किसी का चालान करना है, हम चाहते हैं कि व्यवस्था को ठीक करा जाए। पैसा करना इकट्ठा नहीं है, हम चाहते हैं व्यवस्था जो प्रदेश की ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था उसको ठीक करें और जो ट्रांसपोर्ट के नियम और कानून उस कायदे पर ट्रांसपोर्ट और सभी मिलकर उस पर काम करेंगे। नहीं, हमारी बसें जो पहले बनती पूरे जहाँ पे पंजाब की बात करें, दिल्ली की बात करें, हिमाचल क्या करें, हाँ सब टोटली खुल चुके हैं। जहाँ पहले चलती थी सब जगह हमारी बसें जारी हैं और शुरुआत इसकी ठीक रही है। हाँ, वॉल्वो को शुरुआत करी, कुछ बाकी है करेंगे, अभी वॉल्वो चेन्नई करेंगे, कुछ बसें सभी नहीं करी, अभी सभी बसों पर जो बल्लट से करेंगे। ये मुख्यमंत्री जी बताएंगे। बता दें कि DTO के साथ CM मनोहर लाल की जो मीटिंग रखी गई थी वो खत्म हो चुकी है, जहां मूलचंद शर्मा भी